नमस्कार मित्रों, वेलकम। आपका स्वागत है आपके चैनल एड वैल्यू टू लाइव्स। आप सब ठीक होंगे। हम आज बात कर रहे हैं इस बुक की, गोप्रो, और इसको लिखा है एरिक वॉरिस साहब ने। ये बुक का या एरिक वॉरिस साहब का जो रिलेशनशिप है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। एरिक वॉरिस साहब ने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी ही ये जर्नी शुरू कर दी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, और काफ़ी सक्सेसफुल रहे। पहले बहुत अड़चने आई, पर काफ़ी सक्सेसफुल रहे इस जर्नी में। और उसके बाद इनके जो लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं, ये इस बुक के थ्रू और वर्कशॉप्स के थ्रू या ट्रेनिंग सेमिनार्स के थ्रू लोगों तक ये पहुँचाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट्स हैं। एक, आप ये वीडियो पूरा सुने। दूसरा, इस वीडियो को आप लाइक करें या डिसलाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर से लिखें कि आपको ये बुक क्यों पसंद, ये वीडियो क्यों पसंद आया या क्यों पसंद नहीं आया, या कोई सजेशंस हो जो मुझे हेल्प करें मेरे वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो है या मेरा चैनल है, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या बिजनेसेस के बारे में या माइंडसेट के बारे में जो हेल्प करे बिजनेस को या एंटरप्रेन्योरशिप को, उसके बारे में काम करूं, बताऊं और शेयर करूं लोगों से। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे काम को सपोर्ट करें और इसको आप आगे शेयर करें, ताकि हम सब जो लाइक माइंडेड लोग हैं, इनका एक अच्छा सा नेटवर्क बने। तो चलो हम बात करते हैं इस बुक की। एरिक वॉरिस साहब ने इंट्रोडक्शन में ये कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। ना, नेटवर्क मार्केटिंग इसके लिए ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग पैसे कमाने के तरीके जो हैं, या जॉब कर लो या खुद का बिजनेस कर लो, या आप सेल्स का काम करो इंडिपेंडेंटली या किसी जॉब के थ्रू, या आप एक इन्वेस्टर हो जो पैसा लगाता है और उसके ऊपर से रिटर्न कमाता है, इन सब की लिमिटेशंस हैं। कोई पैसे के तौर पे लिमिटेशंस हैं, कोई जॉब सेटिस्फैक्शन के तौर पे लिमिटेशंस हैं, खुद का काम करने के बाद भी एक संतुष्टि नहीं मिलती, स्ट्रेस होता है, टेंशन लेके चलते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं एक टाइम आता है जब इंसान सोचता है अब आगे क्या। तो वही टाइम के पॉइंट पे रह करके साहब ने ये बुक लिखी है। साहब का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक करियर है, जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुलझी हुई है और व्यवस्थित है। तो चलो हम इस बुक की समरी शेयर करता हूँ, मैं आपसे बताता हूँ कि भाई इसमें क्या कहा है साहब ने। शुरू में साहब कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है पोजर, जो नया नवेला है, जिसमें जोश बहुत है, जिसको क्विक प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट लेकर के धनवान बन जाना है, पर जिसको टाइम और एफर्ट नहीं डालनी। दूसरे जो नेक्स्ट लेवल का है, उसको कहते हैं एमेच्योर। एमेच्योर के पास टैलेंट भी है, एक विल भी है कि मुझे करना है, बट कमिटमेंट नहीं है। और तीसरा जो है वो है प्रोफेशनल, जिसके पास टैलेंट है, विल है, और जो टोटली कमिटमेंट दे के चलता है कि भाई मैं अपना बेस्ट दे दूंगा इस काम के लिए और इसको मैं रिजल्ट लेके आऊँगा। ठीक है, आगे साहब ने सात स्किल्स बताए हैं। सबसे पहला स्किल है प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना। अब प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने के लिए साहब कहते हैं कि पहले अपनी जानकारी में जितने लोग हैं, इनके बारे में आप इनकी लिस्ट बना लो। फिर वो जो लोग हैं जिनकी लिस्ट में नाम लिखा है, वो कितनों को जानते हैं, और उनका नाम अगर यदि आपको पता हो, आप लिस्ट ऐड कर लो। जब ये लिस्ट बन जाती है, फिर आपका काम ये रहेगा कि आप रोज़ एक या दो बंदों को आप ऐड करें और अपनी लिस्ट बढ़ाते रहें। ये लिस्ट बनाने का और बढ़ाने का काम जो है, ये रेगुलर चलते रहना चाहिए। ये आपका नेटवर्क जो है, इसको बढ़ते रहना ज़रूरी है। आपको हर दिन नए लोगों को मिलना है, ढूंढना है। और लोग दिखते हैं, लोग होते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाओ, आपको लोग दिखेंगे, दिखेंगे और दिखेंगे। मिलने के और जो बात करने के, बात छेड़ने के जो तरीके हैं, वो अलग अलग होते हैं। आप सही किसी को जानते नहीं और उसको सीधे ही जाके कहोगे मैंने ये बिज़नेस शुरू करा है, तुम भी मेरे साथ करो, तो वो सुनेगा नहीं, वो आपको कहेगा पागल है, भाग जा। तो वो नहीं करना, तरीके हैं, सलीके हैं उसके। और
नेटवर्क बढ़ाने का जो एक तात्पर्य ये होता है कि आपको रिक्रूट करना है, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, ये आपके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए। दूसरा स्किल जो है वो है इनविटेशन का। अब जब आपने नाम लिख लिए, लोगों को मिले, अब अगले स्टेप पे जाना जरूरी है। मतलब साहब ये कहते हैं कि आप एक किसान, एक फार्मर की तरह अपनी सोच बनाओ, जो बीज बोता है, जो फसल उगाता है, और ये हर साल हर सीजन में ये एक्टिविटी चलती है। दूसरा, ये करने के साथ आपने अपना ट्रस्ट बनाना है, रिलेशनशिप बनानी है लोगों से, और उद्देश्य जो है वो ये है कि लोगों को हमने एडुकेट करना है कि भाई ये बिजनेस या ये इंडस्ट्री या क्या है, आप क्या कर रहे हो, पर उसका भी एक तरीका है। आपने इनवाइट करना है उनको एक सेमिनार के लिए, एक प्रेजेंटेशन के लिए, और वो सेमिनार या वो प्रेजेंटेशन जो है वो आपका सीनियर जो है या उसका जो सीनियर है वो देगा, पर उसके पहले इनविटेशन कैसे देना है। अब आपने ये इस तरीके का एक एक्ट करना है, इस तरीके से आपने एक अपने आप को दिखाना है कि आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपको क्विकली इनवाइट करना है। लोग आपको पूछेंगे भाई क्या है, आपको वहाँ पे नहीं बताना है, आपको सिर्फ ये कहना है कि भाई अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हो या नया कोई काम शुरू करना चाहते हो जो आपके एग्जिस्टिंग काम के साथ हो सकता है, जो आपके एग्जिस्टिंग काम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर आप राज़ी हो तो आप मेरे इस पते पे इस समय आप आ जाएं, और भी लोग आने वाले हैं, आप भी आ जाएं, और तब मैं जो सीनियर है मेरे वो आपको ये अपॉर्चुनिटी बताएंगे। अब वो हाँ कहते हैं तो आपने समय और टाइम दे दिया, वो ना कहते हैं आप धन्यवाद कहें और उनको ये कहें कि मैं आपके साथ हफ्ते 10 दिन में फिर से फॉलोअप करूँगा। और जैसे ही किसी ने हाँ कहा और ना कहा, आपने वहाँ पे वो बात ख़त्म करनी है और आप आगे बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे नेक्स्ट पर्सन को इनवाइट करने के लिए। आपका काम ये होता है, जब आप नए होते हो धंधे में, आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है और इनवाइट करना है, दैट्स इट। और ये जो फॉर्मूला है ये सारा प्रूवन फॉर्मूला है, इसमें कोई नया कुछ ढूंढने की या नया कुछ करने की कोई जगह नहीं है। लोग करने की कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, पर फिर वो इसी रास्ते पे आ जाते हैं। तीसरी, जब मीटिंग होती है, जब लोग आते हैं तो आप मीटिंग शुरू करते हो, बट जो असल जो मेन प्रेजेंटेशन है वो आपके जो सीनियर होते हैं या उनके जो सीनियर होते हैं वो देते हैं, क्योंकि वो सीनियर है, वो प्रोफेशनल है, उन्होंने बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं। तो वो जब प्रेजेंटेशन देते हैं, आपका काम है उनको ध्यान से सुनना और नोट्स बनाना कि वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं और क्या नहीं कहते। ठीक है, बात को बहुत क्लियर रखना है, बात को बहुत ही ट्रांसपेरेंट और क्लियर रखना है। अब जो प्रेजेंटर है, जो सीनियर है, वो ये खुद की स्टोरी बताएगा, और खुद की स्टोरी में पहले वो क्या था, क्या अच्छा नहीं लगता था, क्या दर्द था लाइफ में, और एक टाइम ऐसा आ गया था जब वो बहुत परेशान था, तब उसको आप ही के जैसे किसी ने इंट्रोड्यूस करा इस अपॉर्चुनिटी को, और इस अपॉर्चुनिटी को देखते ही इनको लगा या इन्होंने टाइम लिया कि भाई ये अपॉर्चुनिटी या कंपनी मेरे लिए है, और तब से उन्होंने काम करना शुरू किया, और वो जर्नी वहाँ से लेके अब तक कैसी फ्रूटफुल रही इनके लिए, इन्होंने क्या सीखा, क्या लोगों से मिले, क्या पैसा आना शुरू हुआ, और इनके लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हुए। अब सीन ये होता है कि ये प्रेजेंटेशन भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, ताकि अगेन जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है तो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, लोगों को समझ आएगा कि अच्छा इन्होंने मुझे बुलाया, शॉर्ट एंड स्वीट था, कोई लंबी लचक कहानी नहीं बता रहे, तो लोगों का विश्वास बनना शुरू होगा। अब जो इनवाइट किया उसमें से मान लो 10% 20% हाँ कहते हैं, तो आपने जो हाँ कहते हैं उनको पहले नेक्स्ट स्टेप की ओर ले जाना है, और बाकी के जो हैं उनको आपने थैंक यू कह करके, अप्रिशिएट करके बाय करना है। अब जो हाँ कह रहे हैं उनको आपने इंट्रोड्यूस किया, उनके जो प्रोसेस है, फॉर्मेलिटी वो पूरी करी, और आप उनको एक कंफर्ट जोन थोड़ा सा देते हो। तीसरा, पांचवा जो स्टेप है साइनिंग अप होने के बाद, आप उनको एक गेम प्लान होता है जिसमें उनको आप पूछोगे, उनसे अंडरस्टैंडिंग लोगे वो क्या कमाना चाह रहे हैं, कितना कमाना चाह रहे हैं। वो कहेंगे जी मैं एक्स अमाउंट कमाना चाहता हूँ, तो उनको ये पूछना है कि भाई आप एक्स अमाउंट कमाना चाहते हो तो आप कितना समय दे सकते हो, आपके रूटीन लाइफ में से कितना समय निकाल के इस काम के लिए कर सकते हो। वो कहेगा जी मैं 1 घंटा दे सकता हूँ, हफ्ते के 5 घंटे दे सकता हूँ। फिर उस समय से और उस पैसों के हिसाब से फिर आपको ये आएगा कि इधर आपने इतने मेंबर जोड़ने हैं,
या आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है या दोनों ही करना है, और वो एक फॉर्मूला बिठा के डिस्कशन करके बताओगे, उसको भी समझ आएगी कि भाई हाँ मुझे क्या काम करना है, एक क्लैरिटी होगी। अच्छा, इस समय पे या पहले या बाद में आपको बड़े लड्डू नहीं दिखाने किसी को, क्योंकि अगर आपने बड़े लड्डू दिखाया, बड़े बड़ा कोई झांसा बताया, और थोड़े ही समय में वो रियलिटी सामने आएगी कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो बंदा टूट जाएगा, उस वो टूटेगा, वो चार और लोगों को कहेगा, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। पर अगर वो बंदा रहा और उसने काम करना शुरू करा और वो अचीव करता गया छोटे छोटे स्टेप, तो एक विश्वास बन गया, एक ट्रस्ट बन गया, एक बिलीफ बन गई आपस में। तो इसी तरीके से एक ट्रस्ट और बिलीफ से आपकी टीम बढ़ती रहेगी और आगे बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा फायदा आपको होगा। उसके बाद छठे स्टेप में साहब कहते हैं कि आप उनको हेल्प करो स्टार्ट करने के लिए। तो एक स्टेप तो आपने ले लिया गेम प्लान समझाने में, दूसरा स्टेप आप करोगे कि उनकी इनविटेशंस में हेल्प करोगे, उनकी मीटिंग अरेंज करने में हेल्प करोगे, उनकी जो मीटिंग होगी उसमें आप प्रेजेंटेशंस दोगे। अगर आप भी नए हो और आपके नीचे कोई नया मेंबर ज्वाइन हो रहा है, तो आप फिर अपने सीनियर को रिक्वेस्ट करोगे कि भाई आप आओ और मेरी मीटिंग्स में, हमारी मीटिंग्स में आप प्रेजेंटेशंस दो। आपका काम है एक गाइड के तौर पे काम करें, सक्सेस उनके हाथ में है क्योंकि मेहनत उन्होंने करनी है, आपका काम है दिशा दिखाना, डायरेक्शन देना। और एक काम आपने बहुत इसमें करना है कि आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आप उनको इंडिपेंडेंट बना दो, कि वो नेटवर्क प्रोस्पेक्टिंग करें, वो नेटवर्किंग करें और फिर वो प्रेजेंटेशंस करें। तो इससे होगा क्या, जब वो इंडिपेंडेंट हो गए तो उतना बर्डन आपसे कम हो गया। तो शुरू में ये सब आपको सपोर्ट देना होगा, देना पड़ेगा, उनको भी सपोर्ट शायद लेना पड़ेगा, पर आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितने जल्दी आपके जो जूनियर हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाए। लास्ट में सातवें स्टेप में साहब कहते हैं कि इवेंट्स जो होती हैं कंपनी की, इवेंट्स होती हैं, एनुअल इवेंट्स होती हैं, क्वार्टरली होती हैं, हाफ ईयरली होती हैं, कंट्री वाइज इवेंट्स होती हैं, वो इवेंट्स आपने अटेंड करनी है। अब वो इवेंट्स में होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं वो आते हैं, वो अपनी कंपनी के अंदर की थोड़ी बहुत बातें शेयर करते हैं, बाहर से मोटिवेशनल स्पीकर को हायर किया हुआ होता है, वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। फिर जो पिछले मीटिंग से लेके इस मीटिंग तक जो लड़कों ने, जो बंदों ने काम करा है, जिन्होंने ग्रोथ करा, रैंक अचीव किया या बिजनेस अचीव किया, उन उनकी अप्रिसिएशन होता है, उनका सम्मान होता है, उनको गिफ्ट दी जाती है या ट्रॉफी दी जाती है या रिवॉर्ड दिया जाता है। फिर वो भी अपनी जो स्टोरी है थोड़ी बहुत वो बताते हैं इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, तो वो ऑडियंस में भी एक इम्प्रेशन पड़ता है, वो ऑडियंस को भी एक मोटिवेशन मिलता है, और उस ऑडियंस में भी ये भावना जागती है कि किसी दिन मैं भी उस स्टेज पे जा कर के बात करूँगा, और वो करने के लिए लड़के या बंदे या बंदियाँ जो हैं वो मेहनत करते हैं। अब साहब का कहना है कि आपने एक भी इवेंट, छोटी हो या बड़ी हो, एक भी इवेंट मिस नहीं करनी है, आपने इवेंट्स को निरंतर रेगुलरली अटेंड करना है। साहब का एक मानना है कि जो इवेंट्स अटेंड करते हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, जो इवेंट्स मिस करना शुरू करते हैं या नहीं जाते वो आगे नहीं बढ़ते। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप इवेंट्स अटेंड करें। अब ये हो गई 7 स्किल्स और बुक ऑलमोस्ट समाप्त हो गई यहाँ पे। अब बुक के बारे में जो दो तीन बातें हैं जो मुझे एक तरफ अच्छी लगी या एक तरफ अच्छी नहीं लगी, जो अच्छी नहीं लगी नॉट बिकॉज बुक बट बिकॉज ऑफ द फैक्चुअल थिंग, कि क्या होता है कि जो लिस्ट बनाने की बात है उसमें आप फैमिली और फ्रेंड्स का नाम बहुत पहले लिखते हो, और बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स को पहले पिच करना शुरू करते हैं, पहले ही बताना शुरू करते हैं, और होता क्या है कि वो करने से संबंधों में जो है वो कहीं ना कहीं एक खटास आना संभव हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि ये लिस्ट तो बनाइए आप, पर जो लोग बाहर के हैं उनको आप अप्रोच करना शुरू करें। दूसरा जो अच्छे साइड पे ये है कि बुक की लिखावट बहुत सिंपल है, सरल भाषा में है, छोटी बुक है, जो एग्जाम्पल या जो फ्लो है वो बहुत बढ़िया दिए हुए हैं साहब ने, और जो टिप्स दी हुई हैं बुक्स में वो बहुत बढ़िया हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये बुक, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू करते हो या आपने शुरू ही करी है या आप एक लेवल पे आगे भी हो, तो ये बुक आपको बाय करना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
ये बुक आपको एक बहुत सही रास्ता दिखाएगी, ये एक एसेट के काम आएगी आपको। मैंने इस बुक का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आप खरीदना चाहते हो बुक तो नीचे की लिंक आप यूज़ करें और इस बुक को बाय करें, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू मी। और इसी के साथ वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो या चैनल को और नॉलेज को, एंड हम एक अच्छा बेहतर नेटवर्क बनाएं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ मंगल कामना, बाय।